अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आज हम फिर से पढ़ेंगे आखिरी सबक। ये ईवीएस पार्ट वन का आखिरी सबक है 25, सामाजिक सेहत। तो आज हम इसके सबक के साथ साथ इसके सभी सवाल जवाब भी हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पढ़िए और गुफ्तगू कीजिए, यानी पढ़ना है और आपको आपस में डिस्कशन भी करना है कि राधा के इतराफ व इनकाफ में रहने वाले 150 लोगों को गिजाई समेत हो गई। ठीक है, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। वहां रहने वाले कुछ लोगों ने भाग दौड़ करके मरीजों को फौरन तबी इमदाद पहुंचाई। दूसरे दिन राधा के स्कूल में तकरीरी मुकाबला था, लेकिन वो इसमें हिस्सा ना ले सकी क्योंकि मस्कुरा वाक्य की वजह से वो बहुत तनाव का शिकार हो गई थी। नींद पूरी नहीं हो पाई, मुकाबले में हिस्सा ना ले सके सकने का राधा को अफसोस भी हुआ, लेकिन गिजाई समेत की मरीजों को थोड़ी सी मदद करने से उसे सुकून भी महसूस हुआ। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे वाक्यात किन वजूहात की बिना पर रोनुमा होते हैं? क्या आपको लगता है कि सेहत के ताल्लुक से लापरवाही बरतने पर इतने लोगों को गिजाई समेत होगी हुई? सेहत के ताल्लुक से बेदारी रहना जरूरी है ना, बेदार रहना जरूरी है। जाती सेहत की तरह सामाजिक सेहत भी इतनी ही अहमियत रखती है। क्या आप इस ख्याल से मुतफिक हैं? तो सामाजिक सेहत के बारे में जानेंगे कि मतवाजन गिजा, जाती सफाई, वर्जिश और मशागल इख्तियार करने से सेहत बेहतर होती है। सेहत का इर्तका होते ही इस तरह जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, इसी तरह समाज के तमाम लोगों की सेहत की बेहतरी के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए। हम तमाम को जिस तरह तनाव से पाक और खुश खुर्रम जिंदगी की तमन्ना होती है, उसी तरह पूरे समाज को भी ये मौका हासिल होना चाहिए। जाती सेहत और सफाई के आदतों के जरिए हम समाजी सेहत और अवामी सफाई हासिल कर सकते हैं। आलूदगी, गंदगी, मुतादी अमराज, नशे की लत, कीड़े, अब यहाँ पे क्या है, कीड़े मार दवाओं के जरिए होने वाली बीमारियों के जरिए समाजी सेहत को खतरा लाहक रहता है। ऐसी बीमारियों से अवाम की हिफाजत करना और उन्हें एक खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी मुहैया करने से मुराद समाजी सेहत की देखभाल करना है। अब इसका अगला पॉइंट है कि समाजी सेहत की अहमियत क्यों है। अब मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा अहम उस मुल्क के लोग होते हैं। साफ सुथरा माहौल, मकवी गिजा, बेजरर पानी और बेहतर सेहत के लिए सहूलतें हों तो लोगों की सेहत अच्छी रहती है। इसीलिए पीने के पानी का ख्याल और गिजा का ख्याल रखने के जमन में समाजी बहबूद के प्रोग्राम के तहत लोगों को तालीम देने के लिए खबर रसानी के जर्राए का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब माहौल को साफ सुथरा रखने के हमेशा ताकीद की जाती है। अवामी जगहों पर थूकने पर कानूनी पाबंदी आयद की जाती है। इस कानून का अहम मकसद ये है कि अमराज ना फैले। अब यहाँ पे देखो, टीवी में बताया जा रहा है ना, देखो हम सिगरेट का ऐड देखते हैं, हम वो जो पैड वगैरह यूज करते हैं पीरियड्स वगैरह में, उसके भी ऐड देखते हैं ना, तो वो साफ सफाई की वजह से ही होता है। हम कैसे जानते हैं, जब हम टीवी पे ऐड देखते हैं तो हमें पता चलता है, अरे हाँ ये सिगरेट वगैरह जो है नुकसान करता है, तो नुकसान की क्या क्या वजह है वो उस ऐड में अच्छे से समझाया जाता है। इसीलिए ये जो इश्तेहार वगैरह होते हैं ये फायदेमंद भी होते हैं। अब सामाजिक सेहत को क्यों खतरा लाहक होता है? तो सामाजिक सेहत को कई वजूहात की बिना पर खतरा लाहक होता है। इनमें से एक सफाई की आदत की जानिब से लापरवाही है। जेल में से कौन सी आदतें सामाजिक सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इन पर ये क्रॉस का निशान लगाकर उसकी वजाहत अपने ब्याज में लिखिए। तो पहला है कि पुराने टायर जलाना। बताइए, पुराने टायर वगैरह को कहीं भी उठा के जला दिया जाता है तो उसकी जो महक होती है वो नुकसान ही करती है ना, तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर कि रास्ते पर कहीं भी थूकना, ये भी हम क्रॉस लगाएंगे, ये भी बहुत गलत बात होती है। तीसरा है कि अवामी बैतुल खुला का इस्तेमाल करना, तो ये नहीं, ये साफ, ये सही आदत है। पालतू जानवरों की मुनासिब देखभाल करना, ये भी अच्छी आदत है। पांचवा है कि मुतादी मर्ज हो गया हो तो उसके फैलाव को रोकने के लिए डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना, ये भी सही है। अब नाश्ते और खाने से कबल अच्छे तरह हाथ धोना, ये भी सही आदत है। लेकिन आखिरी क्या है, घर का कचरा रास्ते पर डालना गलत है, तो यहाँ पर क्रॉस का निशान आपको इधर भी देना है। ठीक है, अब गुफ्तगू कीजिए और लिखिए।
कि जेल में इन अहम अज्जा का जिक्र किया गया है जिनसे समाजी सेहत को खतरा लाहक होता है, मसलन आलूदा पानी, खराब तग्जिया वगैरह। इनमें से हर एक जुज समाजी सेहत के लिए किस तरह खतरा है वो सामने के चौकोर में लिखा है, दूसरे चौकोर में कुछ तदाबीर दी हुई है। इन दोनों चौकोनों में मजीद इजाफा करके समाजी सेहत की बरकरारी के लिए तदबीर बताएं। अब पहला है हैजा। आलूदा पानी में क्या क्या होता है? हैजा हो सकता है, साफ पानी की फराहमी ना होने पर बच्चों की अमवात के तनासुब में इजाफा हो सकता है, नाकिस तग्जिया में मकवी गिजा, माहौल को खतरा होता है आलूदगी से, फिर आलूदगी में माहौल को खतरा और माहौल की हिफाजत, फिर लाइल्मी और अंधे अकायद यानी इस्तेहसाल, धोखेबाजी, साइंस पर यकीन। अब नशे की लत, खानदान की खराब हालत, नशे की लत छोड़ने की कोशिश वगैरह सब आता है इसमें। अब तंबाकू नोशी से क्या मजर असरात हो सकते हैं हम जानेंगे पढ़कर। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, मिश्री, मावा, पान, मसाला जैसी तंबाकू वाली अशिया के नाम हम अक्सर सुनते हैं। कई लोग तंबाकू नोशी करते हुए नजर आते हैं। तंबाकू या तंबाकू को तंबाकू वाली अशिया खाना सेहत के लिए मजर है। इब्तदाई में कई इंसान किसी के मामूली असरार पर तंबाकू खाता है, वही इंसान बाद में बार बार तंबाकू खाने लगता है। बार बार तंबाकू खाने से उसे तंबाकू की लत लग जाती है। तंबाकू की आदत का असर ये होता है कि तंबाकू खाए बगैर इंसान को सुकून नहीं मिलता, किसी भी काम में दिल नहीं लगता, मुंह में हमेशा तंबाकू रहता है। जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि इस इंसान को तंबाकू की लत लग गई है। वो शख्स तंबाकू को खाकर हमेशा जगह जगह थूकता और माहौल को गंदा करता रहता है ना। ये भी आदत एक हो जाती है, नशे की आदत हो जाती है ना। एक्चुअली जो भी चीजें नशे वाली होती है ना, उनको गलती से भी किसी के इसरार पर भी नहीं खाना चाहिए। एक बार आप खा लोगे ना, आपको वो बार बार चाहिए रहता है। तो जितने पैकेट वाले होते हैं ना, सुपारी वाले कुछ भी, वो सब भी नहीं खाना चाहिए। उसमें भी तंबाकू का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है। पान मसाले वगैरह के जो पैकेट होते हैं उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों, ये बेकार की चीजों में पैसे बिल्कुल भी ना गवाएं, क्यों अपने दांत और जुबान को खराब करें। अब तंबाकू नोशी के मजर असरात में मुंह में आहिस्ता आहिस्ता छाले पैदा होते हैं। दूसरा है कि ये छाले जख्मों में तब्दील हो जाते हैं, कुछ दिन बाद ही जख्म गांठ बन जाते हैं और इलाज शुरू किया जाता है। मुंह के जख्म ना भरे तो बेहद तकलीफ होती है, बाद में तशखीस होती है कि इंसान को नासूर हो गया यानी कि कैंसर हो गया। अब तंबाकू पेट में जाने पर पेट की कई शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तंबाकू को मुसलसल पेट में जाता रहे तो गिजाई नाली का भी कैंसर हो सकता है। अब कैंसर के मरीज को इलाज की भी तकलीफ होती रहती है, इतना करने के बाद भी कैंसर अच्छा हो जरूरी नहीं है। अब मरीज अच्छा होगा कि नहीं इसका यकीन नहीं होता। इतना ज्यादा कैंसर यानी बदन का वो पार्ट सड़ने लगता है। अब सड़ी हुई चीज को कोई अच्छा कर सकता है क्या? नहीं ना, अभी तक उसकी दवा भी नहीं है। तो आप मत खाओ। क्यों ऐसी चीज खाना है कि हमारे बदन के कोई अजा सड़ने लगे? अब शराब नोशी भी एक तरह का नशा है और बहुत बेकार, बहुत घटिया सा ये नशा है। इसके भी मजर असरात को हम पढ़ के जानेंगे कि तंबाकू की तरह सेहत पर नशे की भी मजर असरात होते हैं। शराब नोशी, नशा करना यानी शराब पीना। अब पहला है पॉइंट, शराब नोशी की वजह से गशी आती है यानी चक्कर आता है। हमें नशे में हम झूमने लगते हैं और दिमाग पर काबू नहीं रहता, इंसान जो है अपने आप पर काबू ही नहीं रख पाता। दूसरा है कि बहुत ज्यादा शराब नोशी की वजह से जिगर, आंतों और गुर्दे की बीमारियां होती हैं। तीसरा है कि तंबाकू नोशी और शराब नोशी दोनों ही बुरी आदतें हैं। इन मजर आदतों से हमेशा दूर रहना चाहिए, अपनी सेहत के ताल्लुक से लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। चौथा है कि शराब नोशी और तंबाकू नोशी की वजह से इंसान की हालत काबिले रहम तो होती ही है, लेकिन इसी के साथ घर के दूसरे अफराद को भी बदहाली का सामना करना पड़ता है। इलाज करवाने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च होता है, वक्त बर्बाद होता है, मेहनत लगती है, खानदान में सेहत और खुशी बाकी नहीं रहती, खानदान के हालात दिगरगु हो जाते हैं। हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि हमारी वजह से हमारा खानदान भी तबाह हो जाता है। अब इन आदतों से दूर रहें। क्या क्या है ये फोटो में देखिए। याद रखिए कि तंबाकू खाना, सिगरेट, बीड़ी पीना, नास सूंघना, दांतों को मिश्री लगाना, चिल्लम, हुक्का, चुरट के जरिए तंबाकू नोशी करना, इनमें से किसी भी तरीके से तंबाकू नोशी की जाए तो वो यकीनी तौर पर मजारी होती है।
शराब नोशी और तंबाकू नोशी की तरह आजकल एक और खतरनाक लत समाज में फैल रही है। इस लत से नौजवान लड़के लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाती है। ये नशा और अशिया कोकीन, हीरोइन वगैरह है, नशे के लिए इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। अब तंबाकू नोशी और शराब नोशी से मौत की दावत होती है। अब देखिए कैसे, तंबाकू, शराब और मुख्तलिफ नशावर चीजें नशे की लत पैदा करती हैं और इसके लिए लत आखिरकार इंसान की जान ले लेती है। हर एक को चाहिए कि वो शराब नोशी और सिगरेट नोशी से लत की मजर असरात जहन में रखे और इन आदतों से दूर रहे। कुछ लोगों की जानिब से मुख्तलिफ वजूहात बताकर हमें शराब नोशी और तंबाकू नोशी की तरह रागिब करने का इम्कान होता है। इसके दबाव का शिकार ना बने, नशे की लत लगने का शुबा हो तो उसे छोड़ने के लिए मशवरा और तब भी मदद हासिल करें। खाना वक्त पर खाएं, ज्यादा से ज्यादा खेलें, मुख्तलिफ मशागिल यानी इख्तियार करें और अपने दिल पर काबू रख कर मुस्तकिल मिजाजी से किसी भी नशे की आदतों से दूर रहें। यानी पढ़ने की आदत डालें, मुख्तलिफ शौक अपनाएं। तो आइए ये करके देखते हैं कि हम में से कई लोगों को जेल में से दी हुई आदतों में से कुछ आदतें होती हैं। इन आदतों की वजह से दर्जाबंदी, अच्छी तरह आदतें, बुरी आदतें, फिजूल आदतों में से कीजिए। दर्जाबंदी करना है। पहला है कि हम कहाँ जा रहे हैं और कब आएंगे ये घर में बताकर जाना, तो ये अच्छी आदत है, तो इसको अच्छी की तरफ हम डालेंगे। दूसरा है कि हमेशा सच बोलना, ये भी अच्छी आदत है। तीसरा है कि चोटी, रिबिन या मोबाइल से मुसलसल खेलना, ये बुरी बात है, गलत है। चौथा है नाखून कतरना, ये भी गलत है। पांचवा है निजामुल औकात के मुताबिक स्कूल का बैग एक दिन कबल रात में जमाना, ये सही आदत है। छठा है छतरी, रेनकोट, पेंसिल, पेन, घर या स्कूल में बार बार बोलना, ये गलत बात है। सातवां है कि टीवी देखने के लिए वक्त मुकर्रर करना और इतना ही वक्त टीवी में देखना, यानी जो वक्त आपने टाइम टेबल बनाया है आप उसी हिसाब से ही टाइम टेबल से टीवी देखें, तो ये बहुत अच्छी आदत है। ठीक है, तो अच्छे में आप डालिए। अब आइए दिमाग पर जोर दें कि फर्ज कीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया है, मसलन फुटबॉल खिलाड़ी बनना है या डॉक्टर बनना है या अदीब बनना है। इस मकसद को हासिल करने के लिए आप खुद को किन आदतों से दूर रखेंगे? अब इसे हमेशा जहन में रखें, कोई भी लत ना लगे उसके लिए सख्ती से इनकार करना सीखिए। कोई भी आपको बोलेगा ना, अरे टेस्ट तो करो, अरे सिगरेट पीनो ने टेस्ट करो ना, पीना थोड़ी ना है, सिर्फ टेस्ट करना है, नहीं मत लेना, सीधा बोल देना कि ये बुरी चीज आप लोग मुझे मत दीजिए। और आपको पता रहता है ना कि कौन लोग ऐसी लत में मशगूल है, उनके साथ मत रहिए। अच्छी संगत बुरी संगत समझ के रहिए, अच्छी संगत का भी असर पड़ता है और बुरी संगत का भी असर पड़ता है। संगत अच्छे लोगों में करिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट दे रहा है कि हमने क्या सीखा। हर एक को चाहिए कि समाजी सेहत की बेहतरी के लिए कोशिश करें। दूसरा है कि समाजी और आवामी सेहत के ताल्लुक से बेदार रहे। तीसरा है कि समाजी सुकून हमारी और हमारे समाज के सेहत बेहतर करती है। चौथा है कि नशे से दूर रहने के लिए कुछ मशगले इख्तियार करें, यानी कुछ खेल कूद है या कोई और मशगलों में इन्वॉल्व हो रहेंगे आप, तो नशे वगैरह की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। और पांचवा और आखिरी है कि दिल पर काबू हो तो नशे से दूर रहा जा सकता है। अगर एकदम हम मजबूत इरादे वाले हैं ना, तो हम उससे बच सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सभी सबक का हमने मालूमात हासिल की और बहुत अच्छी अच्छी वो मालूमात हासिल हुई कि जिसमें हमें पता चलता है कि बुरी संगत से हमें बचना चाहिए, बुरी आदतों से, बुरी चीज़ों से हमें बचना चाहिए और अच्छी चीज़ों को अपनाना चाहिए, है ना, हमने यही सब सीखा। तो चलिए अब सवाल जवाब भी मुकम्मल करते हैं। यहाँ पर मश्क शुरू हो रहा है तो मैं जाऊँगी मश्क की साइट पर और अभी यहाँ पर मैं एक पेन ले लेती हूँ तो इससे मैं अंडरलाइन कर करके आपको निशान लगाते चलूंगी और ये सबक को पूरा करते चलेंगे। तो बच्चों इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6ठी और अब ये 5वीं का EVS और इससे पहले उर्दू, इंग्लिश, तारीख, सियासियात और ज्योग्राफिया वगैरह के सभी सवाल जवाब मैंने अपलोड किया हुआ है। 11th स्टैंडर्ड के लिए मैंने चैनल खोला है एक्सलेंट क्लासेस के नाम से, जिसमें मैं MCQ सॉल्विंग देती हूँ, जो आपके नीट यानी डॉक्टर अगर आपको बनना है तो नीट सॉल्यूशन के उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं और आपको 4 ऑप्शन भी हैं जिसमें एक सही की मालूमात मैं दे रही हूँ। ये बहुत कारामत होता है अगर आपको नीट करना है तो। तो बच्चों आपके बड़े भाई बहन हो तो आप उससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए यहाँ पर हम सामाजिक सेहत को, जो हमारा आखिरी और 25 नंबर का पार्ट 1 का सबक है ये, इसके सवाल अलिफ को हम देखेंगे कि खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए।
पहला सवाल है कि जाती सेहत और सफाई की आदतों के जरिए हम डैश और अवामी डैश हासिल कर सकते हैं। तो पहले वाले में आएगा कि समाजी सेहत और दूसरे में आएगा सफाई। दूसरा सवाल है कि मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा अहम इस मुल्क के डैश होते हैं यानी लोग होते हैं। तीसरा सवाल है कि सुकून की वजह से हमारे डैश जज्बात में इजाफा होता है, दोस्ताना जज्बात में इजाफा होता है। चौथा सवाल है तंबाकू मुसलसल पेट में जाता रहे तो डैश का भी कैंसर हो सकता है यानी गिजाई नाली जो है उसमें भी कैंसर हो जाएगा। पांचवा और आखिरी सवाल है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा डैश की वजह से जिगर आंतों यानी जिगर आंतों और गुर्दे की बीमारियां होती हैं यानी सबसे ज्यादा आप शराब नोशी जब करोगे तो ये सारी बीमारियां होंगी। वे में है सवाल कि सही है या गलत लिखिए और गलत को क्या करना है दुरुस्त करके लिखना है। तो पहला सवाल है कि आलूदगी गंदगी मुतादी अमराज नशे की लत कीड़ों के जरिए होने वाले अमराज समाजी सेहत को बेहतर बनाते हैं। तो जवाब है गलत, आलूदगी गंदगी मुतादी अमराज नशे की लत और कीड़े के जरिए होने वाली अमराज के जरिए समाजी सेहत को खतरा लाहक होता है। दूसरा सवाल है यहाँ पे कि अवामी जगहों पर थूकने पर कानूनी पाबंदी लगाई गई है, तो ये है जवाब सही। तीसरा सवाल है मुकवी गिजा जाती सफाई वर्जिश और मशगलों का इख्तियार करने से सेहत अच्छी रहती है, तो जवाब है तीसरे का सही। चौथा और आखिरी सवाल है कि अपनी सेहत की अच्छी तरह देखभाल करके सुकून की जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, तो यहाँ पर है जवाब गलत, अपनी सेहत की अच्छी तरह देखभाल करके सुकून की जिंदगी गुजारी जा सकती है। अब अगला सवाल है जीम दर्जे जेल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है बेहतर सेहत की तरह हासिल की जा सकती है, किस तरह बेहतर सेहत हासिल की जा सकती है, तो हम जवाब देंगे कि मुतवाजन गिजा जाती सफाई वर्जिश और मशागल इख्तियार करने से बेहतर सेहत हासिल की जा सकती है। दूसरा सवाल है समाजी सेहत के लिए खतरा पैदा करने वाले अवामिल कौन कौन से हैं, तो जवाब है कि साफ सुथरा रहना नशे की आदत मुतादी अमराज नाकिस तगजिया वगैरह समाजी सेहत के लिए खतरा पैदा करने के अवामिल हैं। तीसरा सवाल है कि तंबाकू नोशी के मजर असरात कौन कौन से हैं, तो जवाब है तीसरे का कि तंबाकू नोशी के मजर असरात हसबे ज़ेल है। पहला है पॉइंट कि मुंह में आहिस्ता आहिस्ता छाले पैदा हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि छालों के बड़े बड़े जख्म होते हैं, कुछ दिन बाद ही जख्म गांठ बन जाते हैं, ये गांठें कैंसर का सूरत इख्तियार कर लेती हैं। तीसरा पॉइंट है कि आगे चलकर नासूर नासूर यानी कैंसर हो जाता है। चौथा पॉइंट है कि तंबाकू मुसलसल पेट में जाता रहे तो पेट का कैंसर भी हो सकता है। चौथा और आखिरी सवाल है यहाँ पर कि शराब नोशी के मजर असरात कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर शराब नोशी के लिए जवाब है कि शराब नोशी के मजर असरात हसबे जेल है। पहला पॉइंट है कि शराब नोशी की वजह से गशी आती है, चक्कर आने की वजह से दिमाग पर काबू नहीं रहता। दूसरा पॉइंट है बहुत ज्यादा चक्कर आने की वजह से जिगर आंतों और गुर्दे की बीमारियां होती हैं। तीसरा पॉइंट है कि शराब नोशी की वजह से घर के दूसरे अफराद को भी बदहाली का सामना करना पड़ता है और जिंदगी तबाह हो जाती है। अब सरगर्मी है बच्चों आपके लिए, पहला है कि समाज से नशे की लत दूर करने के लिए एक ड्रामा लिखकर पेश कीजिए, यानी नशे की हालत में इंसान क्या क्या बुरी हरकत करता है कि वो समाज में बर्बादी की तरफ चला जाता है, तो इसके लिए आप एक ड्रामा लिखिए। ये बच्चों आपको कौन से करना है, आपको अपने आप से करना है। तो यहाँ पर हमारे सवाल जवाब मुकम्मल हुए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आ गए होंगे। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब दीजिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और बहुत सारे अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और मेरे सवाल जवाब से घर बैठे वो आसानी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लाइक देने से बच्चों क्या होता है कि मेरे बहुत सारे मुझे हौसला मिल जाता है, बहुत खुशी होती है कि बच्चे देख रहे हैं और वाकई में सवाल जवाब हासिल कर रहे हैं मुझसे। तो कमेंट भी आप कर सकते हो मुझे अगर आपको कोई डाउट हो इस लेसन में। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, अगले पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।